अलमेक डे स्टूडेंट आज टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोइम्स एंड मैथमेटिक्स अब लिटरेचर के अंदर ना सिर्फ कहानियाँ आती हैं बल्कि पोइम्स भी आती हैं तो क्या हमारे पास कोई ऐसी पोइम्स मौजूद हैं जिसके साथ हम मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ करवा सकें गेम्स करवा सकें बिल्कुल मौजूद हैं और एक नहीं एक से ज़्यादा मौजूद है तो हमारे सामने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोइम है बट डेफिटली ये पोइम एक अमेरिकन पोइट ने लिखी है तो उसके अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं वो अमेरिकन करेंसी की गई हैं तो वो अमेरिकन करेंसी है क्या उसको हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रिपोम को पढ़ेंगे और इसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और क्या एक्टिविटीज़ बना सकते हैं अमेरिकन करेंसीज में हमारे पास कॉइंस होते हैं और हमारे पास इस किस्म के कॉइंस हैं लाइक like पैनी है पैनी की वर्थ है वन सेंट उसके बाद निकल है जो कि पाँच फाइव सेंट्स के बराबर है उसके बाद हमारे पास डाइम होता है जो कि हमारे पास टेन सेंट्स के बराब, बराबर होता है और फिर क्वार्टर के कॉइंस होते हैं जो ट्वेंटी फाइव सेंट्स के बराबर होते हैं वेरी वेरी सिंपल मैथमेटिक्स और हमारे पास भी इस किस्म के जो करेंसी है कोइन करेंसी उसके अंदर ये तमाम की तमाम नॉमिन क्लेचर मौजूद हैं और ये डिविजन्स मौजूद होती थी और अभी भी मौजूद हैं सो so, हम पोएम पढ़ते हैं कि वो पोएम क्या है और उसके अंदर ये टर्म्स कैसे इस्तेमाल होगी करेंसी के नाम आपको पता है तो आप समझ जाएंगे यहाँ जिक्र पैसों का है तो so, पोएम यू स्टार्ट होती है कि माई डैड गिव मी वन डॉलर बिल कॉज आई एम हिज अ स्मार्ट सन I swiped it for two shiny quarters cause two is more than one. And then I took the quarters and traded them to Lou for three dimes. I guess he don't know that three is more than two. Just then along come old blind bats and just cause he can't see he gave me four nickels for my three dimes and four is more than three and i took the nickels to hiram combs down at the seed food store and the fool gave me five pennies for them and five is more than four and then i went and showed my dad and he got red in the cheeks and closed his eyes and shook his head too proud of me to speak so it's a very very interesting poem i uh, smart ab baku uh, jo plot have some कि इसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं जो कि मेन कैरेक्टर कर रहा है और वो अपने आप को जो स्मार्ट समझ रहा है उसका फ़ादर उसको देख के गुस्से में है वो क्यों है अब इसके ऊपर हम किस किस्म की एक्टिविटीज़ बना सकते हैं जब हम बच्चों के साथ फाइनेंशियल किस्म की मैथेमेटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये पोइम हमारी बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है और इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हम एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं सबसे पहले हम पोइम को रीड अलाउड कर सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है बच्चों के साथ जब आप क्लास में मौजूद होते हो आप बच्चों so और, वो समझ कि दूसरे बेवकूफ हैं? और वो बता, है, बता सकते हैं बच्चे के वो अपने आप को स्मार्ट क्यों समझ रहा है दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के पार्ट ये हो सकते हैं कि टीचर या तो फिकस पैसे लेके आ सकते हैं या एक्चुअली क्वेंस लेके आ सकते हैं और बच्चों के ग्रुप्स बना सकते हैं बच्चों को ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट करेक्टर्स अलॉट कर सकते हैं हर करैक्टर को नाम दिया जा सकता है और उनको डिफरेंट क्वाइंस के थ्रू कहा जा सकता है कि जब ये मेन करेक्टर आपसे आके पैसे एक्सचेंज करेगा तो आप इसे कितने पैसे देंगे वो पैसे ढूंढें और उतने पैसे अपने पास रखें और वो करेक्टर इस तरीके से समझेंगे डिफरेंट बच्चे जो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होंगे कि उनको कितने निकल्स चाहिए कितनी पानीज चाहिए कितनी उनको क्वार्टर्स चाहिए और वो किस तरीके से उस एक्सचेंज को मेकअप करेंगे ताकि कहानी चल सके जब बच्चे इसको रोल प्ले कर सकते हैं रोल प्ले करने के बाद एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ये आ सकती है कि आप बच्चों को एक प्रॉपरली एक्टिविटी दे सकते हैं और उनको सवालत दे सकते हैं उसके अंदर उनसे पूछ सकते हैं कि हर एक करेक्टर के पास जब ये मेन कैरेक्टर गया तो उसने कितने पैसे लूज़ किए और उसके कितने पैसे कम होते चले गए और क्या बच्चे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इसको फाइंड आउट कर सकते हैं तो मल्टीपल किस्म की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ इतनी इंटरेस्टिंग पोएम के ऊपर बन सकती है और ये सिर्फ एक पोएम नहीं है ऐसी बहुत सी पोएम्स हैं जो आपको मिल सकती हैं अब एज अ टीचर आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर आप ये कर सकते हैं जो आपके सामने ये टेबल मौजूद है जिसके अंदर अमेरिकन कोइन्स के नाम लिखे हुए हैं आप सिर्फ सबसे पहले कन्वर्ट करके कर देखें कि क्या आप इसे पाकिस्तानी कोइंस में चेंज कर सकते हैं और ये इस पोएम को रीराइट कर सकते हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनके लिए आप रोल प्ले बना सकें गेम्स बना सकें और एक्टिविटीज़ बना सकें